पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, 1 घंटा आगे आज कोरोना के टाइम में जो है बढ़ाया गया है मतदान को और के समय को, और इसीलिए 6 बजे तक ये वोटिंग रहेगी। पहले दौर के चुनाव की जो 10 बड़ी बातें हैं उसे मेरी सहयोगी जिया आपको बताने वाली है, और फिर खास मेहमानों से आपका परिचय। जिया, बिल्कुल, 10 फरवरी को 10 बड़ी बातें इस मतदान से जुड़ी हुई। पहली बड़ी बात यह कि पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में ये 11 जिलों की 58 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यूपी की कुर्सी वाया पश्चिम यूपी, ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात कि यूपी के गन्ना बेल्ट में पहले दौर का मतदान हो रहा है, ऐसे में किसान आंदोलन के असर वाले इलाके में भी वोटिंग हो रही है। चौथी बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि जाट और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी आज मतदान हो रहा है। पांचवी बड़ी बात, पिता के निधन के बाद जयंत चौधरी का यह पहला चुनाव है, उनकी भी साख है दांव पर। छठवीं बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि योगी सरकार के 9 मंत्रियों की प्रतिष्ठा लगी हुई है दांव पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे यानी कि पंकज सिंह नोएडा से उम्मीदवार हैं। 58 में से 53 सीट पर 2017 में बीजेपी जीती थी, बीजेपी को अच्छी बहुमत यहां से मिली। 58 में सिर्फ 2 सीटों पर 2017 की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी को जीत मिली, और 58 में से सिर्फ 2 सीटें ऐसी थी 2017 में बीएसपी को जीत मिली। जिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये बता दें कि अतुल गर्ग जो गाजियाबाद से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, कुछ देर पहले वोट डालने के लिए पहुंचे, वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें आ रही हैं गाजियाबाद से, जहां पर अतुल गर्ग के मंत्री भी हैं और विशाल वर्मा समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ उनका कड़ा मुकाबला है। तस्वीरें हमें ये बता रही हैं कि वो सुबह सवेरे पहुँच गए हैं वोट डालने के लिए। हमारे साथ हैं गाजियाबाद विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं अभी अतुल गर्ग। क्या उम्मीद है आज आपकी? मुझे उम्मीद है कि 65 रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा 1977 के बाद। अब की बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान होना है। पिछले एक बार आपने बंसल जी को हराया, एक बार आप उनसे हार गए, इस बार क्या उम्मीद है? पिछली बार 70,000 का मार्जिन था जहां तक मुझे याद है, इस बार जी तो इस बार आपको लगता है कि उसको मेंटेन कर पाएंगे? मेंटेन नहीं, उससे बहुत ज़्यादा होने वाला है। पिछली बार अगर परसेंटेज में बात करें तो 56% वोट भाजपा को मिला था यहाँ, और अब की बार ये 65 भी पहुंच सकता है। एक आखिरी सवाल, कोविड के बीच ये चुनाव हो रहा है, हम सब ने मास्क लगाया हुआ है, क्या आप जनता से अपील करेंगे कि जो भी आए कोविड बिहेवियर कोविड के अनुसार आए और सेफ मतदान? बहुत ज़्यादा आपने मेरे मन की बात कही है, बिल्कुल करेंगे। और आपने देखा है कि चुनाव प्रबंधन समिति ने ये इसका हर एक वो लगा रखा है, यहाँ पर मास्क लगा कर इंतजाम किया गया है। कोई एंटी इनकमेंसी आप नहीं देखते? नहीं, मतलब ही नहीं। ऐसा है ना कि काम इतने ज्यादा हुए हैं, पब्लिक जनता अभिभूत है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।